अभी तो नहीं, यही तो हम दिल्ली पे कहते हैं, रिपोर्ट आ गई फिर भी ये देश के नहीं, अभी हमारे पास फिर भी आप जब नहीं नहीं अभी अपने देखिए जब तक सदन के पास हो हाँ इनका नहीं, जब अभी तक यहाँ हाउस के अंदर कोई अभी आई नहीं, नहीं, अभी हमने दोनों सदस्यों को हाउस के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे दुष्यंत जी को भी बुलाना और गीता बुक्कल जी को भी बुलाना और इनसे भी जानकारी लेनी। ठीक, तो अभी ये अभी कमेटी का देखिए मिताजी, ये कमेटी का मामला सदन को इसकी जानकारी नहीं है। हरियाणा विधानसभा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो वास्तव में गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी फिर आप आपके पास स्कूल उजाड़ा मंडी जींद के तत्कालीन प्रधानाचार्य अभी तक नहीं आई मेरे पास, तार सिंह द्वारा यौन उत्पीड़न के मामले में वर्ष 2005 से 2023 तक की अवधि के लिए सदन की अपनी बैठक है दिनांक 15 और 18 दिसंबर 2023 में उल्लेखित चर्चा की गई घटना सभी घटनाओं की जांच के लिए गठित की गई थी। इस मामले में हरियाणा विधानसभा के आगामी स्तर की पहली बैठक अर्थात फरवरी 2024 में कमेटी का प्रतिवेदन करना वस्तुत अपेक्षित था, क्योंकि मामला अत्यधिक संवेदनशील है इसलिए कमेटी का विचार है था कि विस्तृत जांच के बिना शिक्षाधीन मामले का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा, जबकि यह मामला कमेटी के सक्रिय विचाराधीन है। परिणाम स्वरूप कमेटी ने 20 फरवरी 2024 को सदन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करके अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने के लिए हरियाणा विधानसभा के आगामी स्तर की प्रथम बैठक अर्थात आज 13 मार्च 2024 से आरंभ होने वाले वर्तमान स्तर की अतिरिक्त समय चाहा है। कमेटी आगे सिफारिश करती है कि कृपया प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय हरियाणा विधानसभा के अगले स्तर की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का समय हरियाणा विधानसभा के लिए सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सदन को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए। प्रश्न है, हाँ जी, जो मामला पिछले विधानसभा सत्र के दौरान उठकर आया था उचाना कला में बेटियों के साथ यौन शोषण का, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति जी तक मुख्यमंत्री जी तक हर जगह पर यह मामला उछला, बहुत ही चिंता का विषय है। मेरा आपसे अनुरोध है, इतनी सी भी इंक्वायरी के आप नहीं कर पाए, आपके पास जब सारे कागज आ चुके हैं, हमने भी दे दिए हैं, विभाग के भी आ गए हैं, डीजीपी की रिपोर्ट भी आ गई है कि जो भी तथ्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पुराने डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी ने जो यहाँ पर वक्तव्य दिया था, उन्होंने सरासर गलत और झूठ बयानबाजी की थी, हमने लिखित तौर पर दे दिया और कमेटी में रिपोर्ट आ चुकी है, हमारे पास उसकी कॉपी है। तो यहाँ पर विश्वास मत हासिल कर लिया है नायब सैनी ने। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी यतेंद्र जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। यतेंद्र, इस वक्त क्या डिटेल्स हरियाणा विधानसभा से मिल रही है? देखिए बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा में नायब सैनी ने विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया था, जिसके बाद स्पीकर से विपक्ष ने मांग की कि इस पर सीक्रेट वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन उस डिमांड को स्पीकर ने इनकार कर दिया और ध्वनि मत के साथ, बहुमत के साथ ये विश्वास मत प्रस्ताव पेश हो चुका है। यानी कि जो नायब सैनी सरकार है हरियाणा विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त कर चुकी है, क्योंकि पहले से भी तय था कि जो आंकड़े थे, जो 48 विधायकों का समर्थन था और जो जेजेपी विधायक व्हीप के उल्लंघन के बावजूद भी बीजेपी सरकार के साथ खड़े हुए तो नजर आए थे, उससे जाहिर था कि नायब सैनी सरकार के सामने कोई संकट नहीं है और वो आसानी से विश्वास मत हासिल कर लेगी। हालांकि विपक्ष ने अंतिम समय में सीक्रेट वोटिंग की मांग की थी, लेकिन उससे इनकार कर दिया स्पीकर ने और बहुमत के साथ यानी कि ध्वनि मत के साथ इस प्रस्ताव को पास करा दिया। यानी कि अब नायब सैनी सरकार हरियाणा सदन में, हरियाणा विधानसभा सदन में विश्वास मत प्राप्त कर चुकी है और अब जो संवैधानिक तरीके से जिसे कहते हैं कि विधानसभा सदन में पास होने के बाद अगर विश्वास मत मिल जाता है तो सरकार अपना काम सुचारू तरीके से करती है, तो वो प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। कल शपथ ग्रहण के बाद आज विधानसभा सदन बुलाया गया था और विश्वास मत हासिल करने की बात थी, वो विश्वास मत नायब सैनी सरकार ने आज हासिल कर लिया विधानसभा में। जी यतेंद्र, कांग्रेस काफी हमलावर दिखाई दी इस दौरान, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी हम आपसे समझेंगे, लेकिन ये पहले बड़ी जानकारी हम इस वक्त दर्शकों को दे देते हैं। यहाँ पर हरियाणा में 48 घंटे के अंदर यहाँ काफी कुछ बदल गया है, अब नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं।